संयुक्त किसान मोर्चे के सदर जीरा शहर कैंडल मार्च कढ़ाया गया। पुलवामा हमले में शहीद हुए नौजवान और दिल्ली में लगे किसान मोर्चे में शहीद हुए बुजुर्ग नौजवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कैंडल मार्च कढ़ाया गया। यह कैंडल मार्च किसान मजदूर दुकानदार और होर वर्ग के लोगों वालों कढ़ाया गया। मेरा नाम जी बलदेव सिंह जीरा सूबा जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। अज असी जीरे शहर के संयुक्त किसान मोर्चे के दिशा निर्देशों अनुसार जो प्रोग्राम तय किया अज असी कैंडल मार्च कर रहे हैं क्योंकि पुलवामा के शहीदों को जेडे किसान मोर्चे के पौने 200 के करीब जेडे साडे साथी शहीद होए आ उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते अज असी कैंडल मार्च कर रहे हैं। सो असी समझते हाँ भी चाहे सरहदा हो चाहे धरने हो हमेशा साढ़े किसाना मजदूरों के किरतियां के पोत ही मौत का खाजा बनते हैं चाहे वह फौज भी साढ़े किसाना मजदूरों के पुत आ तो धरनों के भी साढ़े किसाना मजदूरों के पुत आम लोग बैठे आ। सो उन्होंने श्रद्धांजलि देन तो एक जो सा अंदोलन चल रहा वा असी दिल्ली घेर के बैठे हुए हैं उन्होंने मजबूत होर मजबूत तिखा करने वास्ते अज असी सारा जिहड़ा कैंडल मार्च किया वा। जो 14 फरवरी संयुक्त मोर्चे वालों सद्दा दिता गया जी उस दे तहत अज जो जीरा शहर के एक कैंडल मार्च कढ़िया गया है। किसी टाइम सरकार ने जो नारा दिता सी जय जवान ते जय किसान हुण दी मोदी मौजूदा जिहड़ी गौरमेंट है वह जवान ते जिहड़ा हैगा किसान उन्हां दे नाल ही जिहड़ा हैगा सियासत कर रही है। अज जो कैंडल मार्च दे विच शामिल होए साडे साथियां ने इस गल दा सबूत दिता है कि मोदी सरकार नूं जवानां ते किसानां दी राखी लई गलबात करन लई अगे आउणा चाहीदा है ते जिन्ना चिर कालिक नूं रद्द नहीं हुंदे उन्हां तर इस तरह चढ़दी कला दे नाल इह संघर्ष जारी रहूगा। ज संयुक्त मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़ा प्रोग्राम दिता गया सी कि 14 फरवरी नूं कैंडल मार्च कढ़िया जाणा है जिहड़ा असी पुलवामा दे शहीदां नूं ते जिहड़े 200 दे करीब किसानां दीआं शहादतां होईआं उन्हां नूं समर्पित अज जीरा शहर दे विच कैंडल मार्च कढ़िया जिहदे विच तुसीं देखिआ है कि सैकड़ां दी गिणती दे विच इलाका निवासियां ने शहर निवासियां ने शमूलियत कीती है। सो लोकां दा ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਜੀਗਾਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।